यह वीडियो में आपको श्री वृंदावन धाम की अलौकिक परिक्रमा कराई जा रही है। पूरे वृंदावन धाम की आप परिक्रमा या वीडियो के माध्यम से आज आप करोगे। या मैं वृंदावन जो प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है, जा मैं बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी सब विराजे हैं, वह वृंदावन धाम की आप परिक्रमा करोगे। सबसे पहले हम अटल्ला चुंगीते चले और चैतन्य महाप्रभु मार्ग ते आगे निकलते भाई, हम यह वृंदावन धाम की परिक्रमा में ते आपको लेके चल रहे हैं। आप पूरी वीडियो में मेरे संग बने रही हो, ये मिथिला कुंज आ गए हो और पूरी वीडियो में आप संपूर्ण वृंदावन धाम को दर्शन करोगे, संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा करोगे। और जो लोग वृद्धावस्था के कारण वृंदावन धाम की परिक्रमा नहीं कर सकें वो घर बैठे परिक्रमा कर सकें। ये काली देह और चीर घाट के लिए ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पे ये गौरी गोपाल आश्रम है। आपने श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज को नाम सुनो होगो, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज को गौरी गोपाल सेवा संस्थान है, जहाँ में प्रतिदिन साधु ब्राह्मण और वैष्णव और अभ्यागतन को भोजन कराया जाए, भंडारों कराया जाए। हजारों की संख्या में यहाँ पे साधु वैष्णव जो हैं वो भोजन करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वृंदावन धाम जो है ये प्रिया प्रियतम की नित्य विहार स्थली है, जहाँ आजऊ प्रिया और प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी नित्य विहार करें भगवान को। ये गौलोक धाम है, वृंदावन जो है ये भूमंडल पे अगर कोई गौलोक धाम है तो वो ही वृंदावन है। और अब हम देखो बात करते करते यहाँ आ पहुँचे प्रेम मंदिर के बगल में, जो पुलिस चौकी है ना आपने देखी होगी बाएं हाथ को, तो ये प्रेम मंदिर आ जाएगा और अगर आप दाहिने हाथ को चलोगे तो इस्कॉन मंदिर आ जाएगा। यहाँ ये परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ में तो हमें सीधा घुस जाना है। अटल्ला चुंगी थे हम चले और ये परिक्रमा मार्ग में हम सीधे घुस गए। आगे जाके आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे काली देह और बांके बिहारी मंदिर के, यहीं ते आगे जाके जो प्रेमानंद जी महाराज की जो केली कुंज है वाकु रास्ता जाए, यहीं ते परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल बगल में सटो भयो वो केली कुंज को आश्रम है। और ये हित आश्रम ते आगे बढ़ते हुए और आगे भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला जो हमारे दाहिने हाथ को पड़ रही है, वाते आगे बढ़ते हुए जब यहाँ गोवर्धन वृंदावन धाम की परिक्रमा में आगे चले, बड़ा सुंदर दृश्य है। गौशाला हैं और या वृंदावन धाम में गौशाला में गऊ उनकी बड़ी बढ़िया सेवा है रही है। तो ये पूरे वृंदावन धाम की आप परिक्रमा करोगे, वृंदावन में कितने ही भक्तन को प्रत्यक्ष अनुभूति भई है और वृंदावन में बुई आ सके जहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा होए। और देखो बात करते करते हम यहाँ आ पहुँचे काली देह मंदिर पे। ये वृंदावन धाम की या परिक्रमा के दाहिनी ओर प्राचीन काली देह मंदिर है, जो 5,500 वर्ष पुराने यहाँ पर प्राचीन केली कदम्ब का वृक्ष है। आपको मैं अंदर जब आप आओगे तो मैं आपको प्राचीन जो केली कदम्ब का वृक्ष है जो 5,500 वर्ष पुराना है, भगवान ने जब यहाँ कालिया नाग को मर्दन कियो एक दिना खेलते खेलते भगवान कृष्ण की गेंद जो है वो या यमुना जी में जा गिरी और सब ग्वाल वालन ने कही कि लाला हम ना माने तू तो गेंद लेके आ। भगवान गए वहाँ, कालिया नाग ने भगवान को वश में करनो चाहो लेकिन प्रभु तो परात्पर ब्रह्म है और उनने नट नागर को रूप धारण करके या के कालिया नाग के फन पे जो नृत्य कियो और जो कालिया नाग को मर्दन कियो माने जल राशि को शुद्ध कियो। ये प्राचीन काली देह मंदिर है जो यहीं काली देह नामक स्थान पे बनो भयो है, विराजित हैं यहाँ कालिया को मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बड़ा सुंदर स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। और ये आप पुनः देखो यहाँ कालिया नाग के फन पे भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं, हम इनको दंडौत करें। आप सबकी ओर से भी हम कालिया को दमन करवे वारे भगवान को प्रणाम करें, आप सबकी ओर से दंडौत करें। और अब मैं आपको यह काली देह नामक स्थान पर ही आगे लेके चल रहे हूँ, वहाँ 5,500 वर्ष पुराने केली कदम्ब वृक्ष की ओर। ये सामने आप देख रहे हो ना, ये केली कदम्ब का वृक्ष है और देखोगे आप यह की ऊँचाई तो महाराज कहा कहने, बहुत सुंदर इतना विशाल कदम्बों का वृक्ष भाई मैंने तो कबू देखो ना है।
और वृंदावन को मैं समझू ये सबसे प्राचीन वृक्ष है, केली कदम्ब को वृक्ष या कदम्ब को वृक्ष, ये जमुना जी के किनारे पे है। पहले जमुना जी यहां तक आ गई, अब चूंकि कहा है जमुना जी को जो बहाव है वो थोड़ो कम है गए हो है। देखो कितना कितना सुंदर दृश्य है केली कदम्ब वृक्ष के नीचे को, और यहाँ पुजारी जी जो है वो याकू पुजवा में या मैं जो उत्तरीय वगैरह उड़वा के, और ये देखो कालिया नाग जो है वाको स्वरूप यहाँ पर बनो भयो है। हम याकू भी आप सबकी ओर से दंडौत प्रणाम करें। ये सब जितने भी वृंदावन के धाम के जो स्थल हैं ना, उन सबन को आपकी तरफ से दंडौत प्रणाम करते हुए भाई मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ वृंदावन की या वृंदावन धाम की परिक्रमा में। और यहाँ हमने जमुना जी को प्रणाम कियो, और ये जो वृंदावन धाम है ना, या के बारे में कहिए वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मतलब वृंदावन को त्याग के मैं एक क्षण भी नहीं धरना चाहूँ, ऐसा ठाकुर जी ने कही है। और ये देखो काली देह के बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो बने हुए हैं। ये नित्य प्रकट वृंदावन है, भूमंडल पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया भयो गौलोक धाम है। और वृंदावन की रज, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की लता पता, जमुना जल, जीव जंतु, चर अचर, कुंज निकुंज, सभी में प्रिय प्रीतम को वास है, ऐसा हमें मानना है। और ऐसा स्वयं सिद्ध प्रकट है, कितने ही भक्तन ने, कितने ही संतन ने, हरिदास जी महाराज ने, हितरवंश जी ने, और आज देखो तो प्रेमानंद जी महाराज और कितने ही महाराजन ने या को प्रत्यक्ष दर्शन कियो अनुभूति कियो है। ऐसो ये वृंदावन धाम जाप की आपको परिक्रमा करवे को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहे हो, और मैं भी अपने आप को बड़ो भाग्यशाली और धन्य मानूं कि मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। ये मदन मोहन जी को मंदिर आ गया है, बहुत प्राचीन मंदिर है मदन मोहन जी को। और ये मदन मोहन जी जो हैं ये सनातन जी महाराज के सेव्य हैं, सनातन गोस्वामी के सेव्य हैं। और ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर हम मदन मोहन जी के मंदिर पर पहुँचेंगे। ये मदन मोहन जी के मंदिर के बारे में पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है कि ये सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में इनको प्रागट्य कराया, और अब हम मदन मोहन जी के मंदिर में ऊपर चढ़ेंगे। बड़ो प्राचीन सो मंदिर है, बड़ो सिद्ध स्थल है साहब, और परिक्रमा देके लोग यूँ ही निकल जाएं परिक्रमा के रास्ता पे। लेकिन इन स्थलन को आप परिक्रमा में अगर नहीं देखोगे, इनको दर्शन नहीं करोगे, तो वृंदावन धाम की परिक्रमा को क्या लाभ है। तो ये देखो जैसे ही हम इन सीढ़ी पर चढ़ेंगे, आदि सीढ़ी पर पहुँच के सनातन गोस्वामी पाद जी की समाधि है। ये सनातन गोस्वामी जी बड़े सिद्ध जो है महात्मा माधुगौड़ संप्रदाय के रहे हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी जी की पाद की जो समाधि है, जो मंदिर है, वहाँ में हम चलेंगे। एक बात को ध्यान रखियो कि चश्मा आपको उतारना पड़ेगा या परिक्रमा में। अगर तुमने चश्मा लगा लियो तो समझ लो महाराज बंदर लेके तुम्हारे चश्मा चंपत है जाएंगे, फिर तुम वो दोस्त मत नहीं हो साहब, उनने बताई नहीं हमें चश्मा की। तो चश्मा तुम्हें उतारना पड़ेगा। और ये देखो सनातन पाद गोस्वामी जी की मंदिर पे और समाधि पे हम आ गए। बहुत सारे भक्तगण जो हैं यहाँ पर नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बड़ा भारी आनंद है। ब्रज वृंदावन के तो एक एक कण में रस है, एक एक कण में आनंद है, रज में, लतान में, पतान में, वृक्षण में, निकुंजन में, निकुंजन में। और देखो कैसे सुंदर सामने जो है वो मंदिर बना हुआ है। और अब आप कहेंगे साहब ये वृंदावन को नाम कैसे पढ़ो, या है तो बताओ। देखो वृंदावन को नाम जो है, ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के नित्य विहार को साक्षी स्थल है, उनके ये निज परिकर हैं जितने भी यहाँ पर हैं। और वृंदावन जो है ये प्रिया प्रीतम की केली विहारी की स्थली है। वृंदावन जो है ये श्री राधा रानी के जो प्रथम 16 नाम हैं उनमें से एक नाम है राधा रानी को वृंदा। तो राधा रानी के वृंदा नाम के ऊपर या वृंदावन को नाम वृंदावन पढ़ो, यानी राधा रानी को वन, राधा रानी को नाम वृंदा है। तो देखो मदन मोहन जी को मंदिर कितना ऊंचो शिखर है महाराज, बड़ो प्राचीन मंदिर है ये, या के शिखर के आपको मैं दर्शन करा रहे हूँ। और ये वृंदावन जो है ये ठाकुर जी को निज धाम है। ठाकुर जी की जो प्राण प्रिया श्री राधा रानी जी जो हैं उनकी परम प्रिय विहार स्थली है ये वृंदावन जो है। या में हित हरिवंश जी यहाँ वृंदावन में आए, श्री हरिदास जी ने यहाँ पे ठाकुर जी की आराधना करी, चैतन्य महाप्रभु ने करी, नित्यानंद महाप्रभु ने करी, निताई गौर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करी। तो आप सोचो कितने कितने भक्तगण जो हैं वो यहाँ पे आए। बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थल हैं यहाँ पे महाराज। अभी परिक्रमा में उन तटिया स्थान और आपके
बहुत सुंदर सुंदर जो स्थल है ना, सुदामा कुटी, उन समन के दर्शन कराऊंगा मैं आपको, पूरी वीडियो में बनी रही हूँ। और ये ब्रज दर्शन व्लॉग्स जो 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 यूट्यूब चैनल है, ये ब्रज के 84 कोस के जितने भी धार्मिक महत्व के लीला स्थल हैं उन सब के महत्व और महात्म को बताते हुए दर्शन करा भाई। ये देखो राधा मदन मोहन जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं, प्राचीन मंदिर है साहब, सनातन गोस्वामी पाद द्वारा ये प्रागट्य की हुए मदन मोहन जी को मंदिर है। और ये बहुत ही गगनचुंबी या के शिखर हैं, या मंदिर के दर्शन कराते भाई मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा। ये ऐसे स्थल हैं जहाँ जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, जो लोग वृंदावन की परिक्रमा कर बे बौद्ध दिनांत्या में, वे या वीडियो देख के इन जगहन पर पहुँचेंगे, इन जगहन के दर्शन करेंगे, मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ। और या वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ये भी पुण्य का कार्य है, क्योंकि जिन लोगों तक ये वीडियो ना पहुँची है वे कम से कम वृंदावन की परिक्रमा सही तरह से तो कर सकें। ये पाद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी है, और या के वर्तमान सेवाएं आते हैं महंत श्री दीनबंधु दास जी। और ये देखो पाद सनातन गोस्वामी प्रभु जी की भजन कुटी है, ऐसे ऐसे महात्मा हुए महाराज जिनने छोटी छोटी कुटीन में बैठ के ठाकुर जी की आराधना करी है, ठाकुर जी की नित्य जो है भजन उन्होंने की है। और देखो या वृंदावन में निधिवन है, या वृंदावन में सेवा कुंज है, या वृंदावन में टटिया स्थान है, या वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है, या वृंदावन में मोहिनी बिहारी ठाकुर हैं, पता नहीं कितने कितने यहाँ पे स्थल हैं जिनके। अब मैं तो आपको या वृंदावन धाम की परिक्रमा में केवल परिक्रमा में पड़े वाले जो स्थल हैं उनके ही दर्शन करा पाऊंगा, क्योंकि पूरे वृंदावन में तो घुमावे के काजे तो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ये देखो बांके बिहारी जी मंदिर को दर्शन को रास्ता जा रहा है, जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को, जो वृंदावन को सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो सिद्ध स्थल है बांके बिहारी जी का मंदिर, या को रास्ता यहाँ ते जाए या परिक्रमा में ते अलग रास्ता जाए, तो बांके बिहारी जी के दर्शन आप यहाँ ते मुड़ के जाके कर सको, यहीं ते निधिवन को रास्ता जाए, बांके बिहारी जी मंदिर को भी यहीं ते रास्ता जाए, निधिवन को भी यहीं ते रास्ता जाए। रास्ता में ये आपके वाहन और ये टर्री और ये रिक्शा ये जरूर आपको मिलेंगे, ये अवरोध जरूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनते घबराइयो मत, क्योंकि ब्रज जो है ना, या मैं ऐसे छोटे मोटे अवरोध तो आम ही हैं, अगर तुम इनकी बुराई करवे लग गए साहब यहाँ तो टिर्री बहुत हैं साहब, यहाँ बंदर बहुत हैं, नो 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 नो, ब्रज में यूँ के ब्रज में छह कलेश बसे, इन ब्रज के छह कलेश जो है ना ये ऑब्स्टिकल हैं, ये अवरोध हैं, इन अवरोधन ने पार कर जाओगे तो ठाकुर जी की नित्य विहार स्थली में आप प्रवेश कर जाओगे, जहाँ बड़े सौभाग्यते आदमी आ सके, हरकाऊ के बस की ना है महाराज। ये देखो मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, यहाँ यहाँ ते भी रास्ता जाए, आप यहाँ ते भी या रास्ता में ते भी जा सको, लेकिन यह है कि वाहन नहीं जाएगा आपको, आप जो साहब सोचो कि हम अपनी गाड़ी ले जाएं, ना गाड़ी फाड़ी सब बाहर रखनी पड़ेंगी। और देखो ये बाई ओर को श्री जमुना जी के दर्शन हो रहे हैं, ये पूरी जो परिक्रमा है ना, या परिक्रमा को अधिकांश भाग जो है वो कालिंदी की तट पे होके जाए, कालिंदी कहें जमुना जी थे, और जमुना जी तो महाराज ठाकुर जी की नित्य सहचरी हैं, नित्य स्वामिनी जी हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्ध हेतु मुदा मुरारे पद पंकज स्फरद मंदिरेण उत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बना सुरासुर सुपूजित स्मर पितु श्री अभ्यप्रतिम पूर्व यमुनाष्टक है। तो मैं अभी जो बांके बिहारी जी मंदिर के रास्ता की आपको बता रहा हूँ, तो ये बांके बिहारी जी जो हैं श्री हरिदास जी के आराध्य हैं, और मार्ग श्री शुक्ला पंचमी को इनको बिहार पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी को प्रागट्य हो। पहले बांके बिहारी जी आपको जानकारी है कि ना है मैं आपको बता दूं, ये पहले निधिवन में विराजे, बाद में संबत 1921 में यह मंदिर को निर्माण हो। ये देखो बात करते करते हम महाप्रभु जी की बैठक पे आ गए, ये महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है ये, और ये महाप्रभु श्रीमद बल्वाचार्य जी नहीं, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, और चैतन्य महाप्रभु की बैठक में हम अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ माधगौड़ संप्रदाय के अनुसार यहाँ रीति नीति से सेवा होए। तो मैं बता रहा हूँ बिहारी जी पहले निधवन में विराजे, संबत 1921 में यह बिहारी जी के मंदिर को निर्माण हुयो, और किशोरी जी जो हैं बिहारी जी के बगल में वार्म पार्श्व में मतलब बाई भुजा में गादी जी के रूप में विराजे। हरिदास जी ने बहुत सारे पद लिखे महाराज, हरिदास जी के पद केलीमाल ग्रंथ में हैं, आप वृंदावन जाओगे तो केलीमाल ग्रंथ आपको मिल जाएगा। ये हमने आपको महाप्रभु जी के दर्शन कराए, ये महाप्रभु जी की परिक्रमाएं, जो महाप्रभु जी इमली वाले में कृष्ण भजन, जो जो महाप्रभु जी ने लीला करी ब्रज में, वे सबरी लीला के बहुत सुंदर
भित्ति चित्र और बहुत सुंदर स्वरूप वर्णन जो है वो यहाँ में कर रखो है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हरिदास जी ने अपने पद जो हैं वो केलीमाल नामक ग्रंथ में रचे। केलीमाल ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो प्रिया प्रीतम के जो नित्य रास को जो आनंद है बाको बड़ो भारी सराबोर कर देगो साहब आप। और ये ललिता जी के अवतार कही जाए, हरिदास जी ललिता जी के अवतार हैं। और हरिदास जी तो इतने बड़े संगीतकार हैं साहब, जिनके कहके ने तानसेन और बैजू बाबरा उनके शिष्य। और मोए हरिदास जी तो बड़ो स्नेह और बड़ो आस्था है मेरी उनके प्रति, क्योंकि मैं पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय को कीर्तनिया हूँ और गोविंद स्वामी जी जो अष्ट सखा वही हैं उनकी 17वीं पीढ़ी को मैं कीर्तनिया हूँ। तो कीर्तन तो मेरे रस रस में बसो है, तो मोकू कीर्तन बड़ो प्रिय है। ये गोपीनाथ भवन आगो साहब, मैं गोकुल चंद्रमा जी मदन मोहन जी मंदिर में कीर्तन करूँ, कीर्तन सेवा करूँ, कीर्तन सिखाऊँ भी हूँ, कीर्तन के भाव विवेचन भी करूँ, मेरे सब यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। इस श्रृंगार घाट आगो, ये जमुना जी को श्रृंगार घाट है। श्रृंगार घाट से आगे बढ़ते 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 यहाँ बहुत सारी दुकान लग रही हैं। और ये देखो श्रृंगार घाट पे प्राचीन मंदिर है, ये बड़े प्राचीन प्राचीन साहब यहाँ पे सिद्ध स्थल हैं। ये गोविंद घाट आओ, लो बात करते करते ये जमुना जी को गोविंद घाट है। ये सब मिलेंगे आपको परिक्रमा में, वृंदावन धाम की जब आप परिक्रमा दोगे ना, ज़्यादा लंबी ना आए, डरपियो मत, बहुत बहुत आनंद आएगा आपको यह परिक्रमा में। और मेरा तो आप तो ये कहना है, जिन जो लोग ये आप वीडियो देख रहे हैं, देखो चीर घाट आओ, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा कर भी जरूर रही हो साहब। ये चीर घाट है, यहाँ जो चीर हरण की लीला हुई ना ठाकुर जी ने, जो गोपी जो जल में विहार कर रही और जल की मर्यादा को पालन नहीं कर रही, यहीं पर ठाकुर जी ने चीर हरण करो गोपीन को। फिर गोपीन ने मोहन देव अवसन हमारे बड़ी भारी प्रार्थना करी ठाकुर जी थे, तब ठाकुर जी ने उनको उनके चीर दिए। ये देखो यहाँ पे पंडित जी जो हैं ये चीर हरण लीला के बारे में और चीर घाट के बारे में विशद रूप से वर्णन कर रहे हैं। जब आप परिक्रमा देवे आओगे तो आपको यहाँ के जो पौरोहित्य कर्म करे वाले जो पन्ना हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पे चीर जो है वो बांधवे को और चीर भेंट करवे को, मतलब चीर मतलब वस्त्र, वस्त्र भेंट करवे को भी यहाँ पे विधान है। और जो भी परिक्रमार्थी यहाँ पे आमें वो वस्त्र भेंट करें, वस्त्र दान करें। तो ये सब यहाँ की जो रीति नीति मर्यादा परंपरा जो है, उन मर्यादा परंपरा को भी आपको पालन करना है। ये परम प्राचीन स्थल चीर घाट है, मनोकामना पूर्ण करे वारो है और बड़ो सुंदर ये स्थल है। और ये देखो आप बहुत प्राचीन वृक्ष बनो हुए हो, ये देखो वस्त्र जो हैं चीर जो यहाँ पे विराजे भए हैं। और जो भी लोग यहाँ से चीर लें और चीर लेके और फिर वहाँ पे भेंट चढ़ावें, ये देखो यमुना मिशन ने बहुत सुंदर ये झूला बना दिया है, जो बालक बच्चे और जो महिला आमें वो यमुना जी के घाट पे आराम से यहाँ थोड़ा आनंद भी ले सकें। और अब आप जब आगे चलोगे तो यहाँ आगे आपको मिलेगा भ्रमर घाट। भ्रमर जो है ये भ्रमर गीत परंपरा को संबंध है, आते उद्धव गोपी संवाद को। और अब हम यह वृंदावन धाम की परिक्रमा में जमुना जी के किनारे किनारे चलेंगे। ये जमुना जी जो है नित्य विहार, जमुना जी को घाट जो है वो राधा कृष्ण को नित्य विहार स्थली है। और यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार करो करें, करो करें और आज भी करें, क्योंकि ठाकुर जी की सब लीला नित्य नवीन है। ऐसा मत सोचियो कि सब ये लीला तो 5,500 वर्ष पूर्व हुई, अरे अबाऊ है रही हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं इन लीलान के। हम पे ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए, आज हो रही हैं, नित्य हो रही हैं। तो निधिवन जो है वो ठाकुर जी की और प्रिया प्रीतम की जो केली स्थली है वो है। और सेवा कुंज जो है वो श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पौड़वे की स्थली है, शयन की स्थली है, जहाँ ठाकुर जी राधा रानी के चरण दवा में और स्वामिनी जी जो हैं मान करके वहाँ पे विराजें। बड़ी सुंदर लीला है, दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, दाम खर्च का मोल लई मनावत, हार परीरी माई। कितने सारे पद हैं मान के पौड़वे के जो या सेवा कुंज से संबंधित हैं। ये देखो ये श्री जमुना जी को घाट आ गया है और जमुना जी के घाटन पे थे निकरते वही इन सीढ़ी पे थे निकरते, देखो कैसे सुंदर सुंदर प्राचीन स्थापत्य कला के नमूना बने हुए हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो कर्मकांड वगैरह करामें, ये जमुना जी के किनारे जो लोग अपने पितरन के तर्पण इत्यादि के लिए जो कार्यक्रम करामें वो सब यहाँ हो सकें। बहुत बढ़िया यहाँ स्थल बने हुए हैं, जमुना जी को किनारो है, या तो बढ़िया पुण्य स्थल ही महाराज कहा होगी। आगे आप देखोगे तो साहब ये आरती घाट आ गए, यहाँ तो जमुना जी की आरती होए। और यह वृंदावन में बहुत सारे स्थल हैं, कात्यायनी देवी को मंदिर है,
आप अंदर दर्शन करोगे तो मैं आपको इन्हें हमारा बता रहा हूँ कि आपको पहचान हो। कात्यायनी देवी को मंदिर है, गोपी ने कात्यायनी देवी की प्रार्थना करी, पूजा करी कि हमें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो वो कात्यायनी देवी को मंदिर अंदर है, राधा दामोदर जी को मंदिर अंदर है, शाह विहारी जी को मंदिर है, रंग जी को मंदिर है, और दाबानल कुंड है, टोपी बारी कुंज है, बंसी भट्ट है, गोपेश्वर महादेव है। महाराज कितने स्थान हैं, और ठाकुर जी की निकुंज की जो शयन स्थली है, सेवा कुंज बू है, और निधिवन तो मैंने आपको बताई दियो। ऐसे जने कितने स्थान हैं जिनके आप दर्शन अंदर जाके कर पाओगे या वृंदावन धाम में। और अब हम यह वृंदावन धाम की जो परिक्रमा कर रहे हैं तो सबरे स्थलन की भी परिक्रमा हो रही है। ये थोड़ी है कि वे स्थल हम या के अंदर ना आ रहे हैं, वे सबरे स्थल या के अंदर आ रहे हैं या परिक्रमा के अंदर। तो परिक्रमा में इन सब स्थलन को स्मरण करती रही हो, और ठाकुर जी को नाम संकीर्तन जरूर होना चाहिए। इनायक है फालतू की बात अन्य करते भये, हमें यह परिक्रमा में नाम संकीर्तन करना है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो भी आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परम धन राधा नाम आधार, जाय पिया मुरली में तेरथ सुमरत बारंबार, वेद मंत्र और जनतंत्र में कियो यही निर्धार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते जान सार को सार, और कोटिन रूप धरे नंदन नंदन तौ न पायो पार, और व्यास दास अव प्रकट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। तो ऐसे नाम संकीर्तन करते हुए ठाकुर जी की लीलान को स्मरण करते हुए, ठाकुर जी की लीलान की चर्चा करते भाई, ये वृंदावन धाम की परिक्रमा करनी है। फालतू की हमें बातचीत यहां नहीं करनी है। और देखो यहां वृंदावन धाम में ही राधा वल्लभ जी को बहुत प्राचीन मंदिर है। राधा वल्लभ जी जो है हितरवंश जी महाराज के सेव्य हैं। राधा वल्लभ जी पहले मदन टेर में विराजे, फिर मागे बाद सेवा कुंज में विराजे, बाद में यहाँ राधा वल्लभ जी को मंदिर जो यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल समीप है वहां विराजे। ये केसी घाट आ गए हो, यहाँ केसी देवते को भगवान ने विनाश कियो, और देखो कैसे प्राचीन प्राचीन मंदिर, कैसे प्राचीन प्राचीन स्थल या वृंदावन धाम की परिक्रमा में आपको देखने के काजे मिलेंगे। और अब आ रहा हूं आगे टटिया स्थान, पानी गांव को भी यहीं तिरस्ता जाए, और अटल्ला चुंगी जहां तो अपन ने परिक्रमा शुरू करी ना, वहीं जाके यह परिक्रमा हम खत्म करेंगे। और देखो ये अभी सरकार ने बहुत सुंदर यमुना जी के किनारे पे ये वृक्षारोपण वगैरह पर्यावरण संरक्षण को काम किया, कैसे सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाएं। वास्तव में साहब ये अगर पूरी परिक्रमा में लग जाएं तो आनंद ही है जाए, ये मोक्ष धाम आगा वृंदावन को, जहां वृंदावन में जो लोग शरीर पूरा करें अपनों वो यमुना जी के किनारे मोक्ष धाम है, यहाँ उनको मुक्ति मिले मोक्ष मिले। और ये देखो बहुत सुंदर परिक्रमा के स्थल में जब हम जाएंगे या वृंदावन धाम की परिक्रमा में, तो ये आपको सुदामा दास जी को मार्ग मिलेगा, और अंदर आपको ये सामने देखोगे तो आप ये सुदामा कुटी है, नावापीठ सुदामा कुटी, और यही बगल में वो जो अपने मलुपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी हैं उनको सेवा संस्थान भी यहीं पे है। मलुपीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी को तो महाराज कहनो ही का श्रीमद भागवत के प्रखर वक्ता हैं और बड़े परम संत हैं, तो उनको भी ये सेवा संस्थान यहीं पे है। और या सबके दर्शन करते भए चर्चा करते भए हम आगे निकलें, तो ये देखो ऐसे सुंदर सुंदर स्थल पड़े हैं। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण धाम बना रखो है, यहाँ पे शायद कथा है रही है कछु, क्योंकि जो दरवाजो लग रहा है अंदाज मालूम पर। ये देखो ब्रह्मर्षि महर्षि महर्षि श्री देवराहा बाबा घाट, देवरा बाबा आप तो मालूम होगी जमुना जी पे देवरा बाबा एक वृक्ष पे मचान बना के विराजे, और महाराज केमेजन कितने सौ वर्ष तक भी जीवित रहे और बहुत लोग उनके दर्शन कर गए। ये देखो टटिया टटिया आश्रम आगो, ये टटिया आश्रम जो है ये रसिक देव जी के शिष्य श्री ललित किशोरी देव जी ने सेवा करी, और पूरे वृंदावन में एकमात्र ऐसा प्राचीन स्थल है जहां पे आज भी बिजली ना है, मतलब बिजली है ये घुसननांद ने स्वामी हरिदास मार्ग, यहां बिजली को प्रवेश नहीं है और मोबाइल को प्रवेश नहीं है, यहां आज भी दिए जरे, और महाराज पंखा की कोई बात नहीं, हाथ के पंखा अंते बड़े परम संत अद्भुत संत विराजे यहां पे। और मैं तो कई बार यहां पे कीर्तन कर चुका हूं, यहां के जो महाराज जी हैं बड़े भारी मुकुश ने करें, और ठाकुर जी के सामने बैठ के जो संजाकू साहब टटिया स्थान पे जो समाज गायन हो गए और जो पद गाए जाएं पखावज और तानपुरा और सितार और सारंगीन के संग, तो कहा कहने
यहां पहले साधु जो है ये बांस की टटिया बना के रहे भाई। ये हमारे यहाँ टटिया आश्रम के बहुत से लोग मुझे पूछे साहब यहाँ टटिया आश्रम का टटिया आश्रम याद में हमारे कहे जमुना जी के किनारे पे पहले टटिया बना के रहे भाई। यहाँ पे ये देखो मोहिनी उपवन है जहां बिहार वन की गौशाला है, यहां भी गौ उनकी बड़ी बढ़िया सेवा हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वृंदावन धाम की परिक्रमा करवे आओ तो परिक्रमा के बिल्कुल परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे ही टटिया आश्रम है, टटिया आश्रम के दर्शन जरूर कर जाइयो। और हाँ मोबाइल स्विच ऑफ कर लियो और चश्मा तो आपको उतार नहीं है तो समझ लियो, बाकी तो कहने की बात का है। ये देखो प्यारे मोहन आश्रम है और यह सबसे आगे निकलते भाई ये छोटे मोटे स्थान जिनके कई इनके मैं नाम ना ले पाया हूं तो माफ करियो मुकू, क्योंकि परिक्रमा आधा घंटा में मुझे पूरी करानी है। ये अटल चुंगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर हमने परिक्रमा शुरू करी ना वहीं से बढ़ रहे हैं। और ये देखो एक बहुत सुंदर स्थल है, ये भी दर्शनीय है, या कि आप दर्शन करोगे तो आपको बड़ा भारी आनंद आएगा। ऐसे कितने अतिथि गृह और आश्रम और भजन भजनाश्रम, देखो वृंदावन धाम की दंडौती परिक्रमा दे रहे हैं, तुम पैदल परिक्रमा में डर पड़े हो जरूर करियो। और जब शक्ति हो भैया ये उमा शक्ति पीठ आ गई, जब शक्ति हो दंडौती परिक्रमा करो। ये तो भैया अपने अपने श्रद्धा की और अपनी अपनी शक्ति की बाकी बात है। ठाकुर जी ये ललिता बाग आ गो, ललिता बाग के आगे दर्शन करते भाई। और ये परिक्रमा मार्ग में बड़ी सुंदर वृक्षावली, इतमाऊ को तो साहब जमुना जी और इतमाऊ को सुंदर वृक्षावली और ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य, आनंद आ जाएगा आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करके। मोकू तो वृंदावन धाम की परिक्रमा में बड़ो आनंद आवे। और इन समन के दर्शन करते भाई करते भाई करते भाई ये देखो आप आगे आके आप देखोगे तो ये एक है, मैं पढ़ नहीं पा रहे हूं, मुझे थोड़ा सा पढ़वे में दिक्कत आ रही है। बंसी बंसी वाला आश्रम है, बंसी वाला आश्रम है, या के दर्शन करते भाई आप आगे बढ़ोगे। सबको प्रणाम निवेदित करते हुए दर्शन करते भाई हम आगे बढ़ रहे हैं अपने वह स्थल की तरफ, जो स्थल जहां पे हमने यह वृंदावन धाम की परिक्रमा शुरू करी। ये वृंदावन धाम जो है या कि वृंदावन धाम की रज लता पता कुंज निकुंज गऊ बानर, ये देखो वशिष्ठ आश्रम आगो ये, और ये गोविंदम आश्रम आगो, ये सब स्थल हैं जो या वृंदावन धाम की परिक्रमा में पड़े। और बहुत सारे अतिथि ये आगो साहब बिरागी बाबा को आश्रम, और बिरागी बाबा के आश्रम से हम आगे चलेंगे। एक एक स्थल बहुत सारे स्थल हैं दोनों बगल को, बहुत ही प्राचीन स्थल हैं, बड़े आनंद और रस को सराबोर करने वाले स्थल हैं, जिनको आप दर्शन करोगे या परिक्रमा में तो आपको आनंद आ जाएगा। और ये देखो यहाँ एक ये एक और मंदिर है जाके आप दर्शन करोगे, ये देवी मंदिर है। और देवी मंदिर के बाद यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के आगे थे जब आप चलोगे तो ये नीम बाबा श्री नीम करौरी आश्रम है, बहुत सिद्ध महात्मा भई हैं बाबा नीम करौरी, आपने खूब नाम सुना होगा उनको आश्रम है। मतलब कोई भी साधु संत यहाँ पे अछूत तो नहीं रहे हो, सब यहाँ पे पधारे हैं, सब ने यहाँ ठाकुर जी की और स्वामिनी जी की लीला करी है। ये अटल्ला चुंगी पे हम फिर आ गए, ये देखो गिरिराज बाबा यहाँ पे विराज रहे हैं जहाँ परिक्रमा अपनी पूर्ण हो रही है। इस सीधे हाथ को रास्ता तो चलो जाए रंग जी को, और उल्टे हाथ को रास्ता चलो जाए मथुरा को, ई चौराहे हो। और यह चौराहे पे थे जब हम आगे चौराहे पार करके भीड़ भाड़ में थे बढ़ेंगे, तो भीड़ भाड़ में थे चौराहे आगे पार करते भाई, ये देखो यातायात पुलिस चौकी लग गई। और यही तो स्थल हो जहां मैंने ढोक लगाई, तुम्हें ध्यान है कि ना है? वही स्थान है, वहीं आके मैं फिर ढोक लगाऊंगा और यह वृंदावन धाम की परिक्रमा को संपूर्ण करवाऊंगा। बोल वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, सब संत भक्तन की जय, सब के गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम।